सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइडस यूट्यूब चैनल को, उसके बाद साइड में जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके इसको ऑल कर दीजिए, इससे हमारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। हे गाइस, मेरा नाम है श्वेल, तो स्वागत है आप सबका एंड्रॉइडस यूट्यूब चैनल की एक और नया वीडियो पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ GTA San Andreas Lite ग्राफिक्स मोड, जो कि गाइस बहुत ही मस्त है। तो गाइस, पहले मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे गेम को आपको इंस्टॉल करना है। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो इस गेम आपके फ़ोन में नहीं चलेगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस, लेट्स गो फॉर इट। एपीके और डाटा फाइल की जो डाउनलोड लिंक है वो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहां से पहले आप दोनों फाइल को डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको उसी फोल्डर पर जाना है जहां आपने दोनों फाइल को रखा है, जैसे कि मैंने ये वाली फोल्डर के अंदर रखा है। तो ऐसे पहले आपको क्या करना है, GTSC की जो APK फाइल है उसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐसे आपको इसको करना है डन। डन करने के बाद अभी आपको GTSC की जो डाटा फाइल है उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ऐसे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद आपको कॉमडोर रॉकस्टार गेम डॉट GTSA नाम के एक फोल्डर मिल जाएगा, उसको आपको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऐसे आपको जाना है फाइल्स पे, उसके बाद TextDB, और ऐसे आपको GTA 3, GTA INT और TXD फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है उसको आपको रीनेम करनी है, ठीक है? तो पहले आपको क्या करना है, आपका फ़ोन का GPU कौन सा है वो आपको चेक कर लेना है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं CPUZ, तो उसका भी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए CPUZ एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो CPUZ ओपन करने के बाद नीचे देखिए GPU रेंडरर लिखा हुआ है, और जहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रेनो टीम, मतलब मेरा जो GPU है वो है एंड्रेनो। तो आपका कौन सा है वो आप देख लीजिए, माली हो सकते हैं, पावर बीआई भी हो सकते हैं, तो जो भी आपको पहले चेक कर लेना है। तो चलिए फिर से आपको ZRK पर ओपन कर लेना है। ओके, तो ऐसे पहले आपको GTA 3 फोल्डर को ओपन करना है, और ऐसे आपको ये तीनों फाइल का जो नाम है वो आपको रीनेम करना है, जहाँ पर रीनेम लिखा हुआ है। तो चलिए पहले वाली फाइल को पहले रीनेम करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद ऐसे आपको जाना है रीनेम पे, और जहाँ पे रीनेम लिखा हुआ है उसी वाली पार्ट को ऐसे डिलीट करना है, और यहाँ पे अपने GPU के हिसाब से कोड डालना है। जैसे कि मेरा GPU है एंड्रेनो, तो ऐसे मैं डालता हूँ DXT। अगर आपका GPU हुआ माली तो ऐसे आपको डालना है ETC, और अगर आपका GPU है पावर वियर, और यहाँ पे आपको डालना है PVR, और गाइस सभी जो वर्ड है ये पे आपको डालना है स्मॉल लेटर में, ठीक है? कैपिटल लेटर मत यूज़ करना। ओके, तो यहाँ पे मेरा GPU एंड्रेनो, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ DXT, उसके बाद ओके। तो ऐसे तीनों फाइल के जो नाम है वो आपको रीनेम करना है। तो सेकंड वाले पे फिर से लॉन्ग प्रेस करते हैं, उसके बाद रीनेम वाली पार्ट को डिलीट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे GPU के हिसाब से कोड डालना है DXT, मेरा GPU एंड्रेनो, इसके लिए डाला DXT। तो उसके बाद थर्ड वाले को भी सेम तरीके से चेंज करता हूँ, ओके डन। उसके बाद ऐसे आपको करना है बैक जाने के बाद अभी आपको जाना है GTA INT फोल्डर पे, और यहाँ पे भी आपको सेम तीन फाइल मिल जाएगा, और सेम तरीके से आपको रीनेम करना है। तो मैं रीनेम करता हूँ। ओके, ये भी हो चुका है, उसके बाद बैक कीजिए, और अभी लास्ट वाला फोल्डर है TXD, इसको ओपन कीजिए, उसके बाद फिर से ये तीनों फाइल का जो नाम है चेंज कीजिए। तो गाइस ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? मिस हो गया तो आपका गेम क्रैश हो सकता है और आपके फ़ोन में नहीं चलेगा गेम सही से।
तो बस अभी सभी फाइल का जो नाम है वो रीनेम हो चुका है, उसके बाद ऐसे आपको टोटली बैक करना है कॉमडोर रॉकस्टार गेम डॉट जी टी एस ए फोल्डर पे। उसके बाद ऐसे कॉमडोर रॉकस्टार गेम्स डॉट जी टी एस ए फोल्डर को ऐसे कट कर लेना है, काटिया कॉपी जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं। तो ऐसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ऐसे आपको देना डिवाइस मेमोरी, उसके बाद एंड्रॉयड और ऐसे डाटा के अंदर आके आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो बस ये हो चुका है, तो अभी हमारा जो है इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट है। अभी हम क्या करते हैं, गेम को ओपन करते हैं। तो हमारा गेम जो ओपन हो चुका है, उसके बाद ऐसा आपको करना है ऑफलाइन। और गैस अभी आपको सिंपली कुछ सेटिंग्स करना है, ठीक है। उसके लिए आपको जाना है ऑप्शन पे, उसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले सेटअप पे। तो डिस्प्ले सेटअप पे आने के बाद इसका जो ब्राइटनेस है वो आपको एकदम फुल कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा ब्लैक आती है तो इसलिए आपको क्या करना है, ब्राइटनेस को थोड़ा हाई रखना है, तो खेलने का एक्सपीरियंस आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद विजुअल इफेक्ट रेजोल्यूशन वो आपकी फ़ोन के हिसाब से रख लेना। अगर आपकी फ़ोन हाई क्वालिटी सपोर्ट करता है तो पूरा हाई कर लेना ग्राफिक्स वगैरह, तो सही से चलेगा। तो फिलहाल मेरे फ़ोन में तो हाई पे अच्छी चलती है, तो यहाँ से जो मेरा सेटिंग्स है वो मैं हाई कर लेता हूँ। उसके बाद रेजोल्यूशन भी एकदम हाई कर लेता हूँ, शेडो वगैरह मैं एडवांस कर दिया, ग्राफिक्स भी एडवांस कर दिया, सब कुछ मैक्स्ड। उसके बाद ऐसे मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे रिज्यूम नहीं करना है गेम, ठीक है। आपको करना है स्टार्ट गेम पे क्लिक, उसके बाद न्यू गेम, तो आपका गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गेम जो है बहुत ही प्यारे तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और गाइस ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक्स कितने चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली पार्ट को मैं स्किप करता हूँ। तो गैस ये हमारा गेम जो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो गेम एकदम स्मूथ चलेगा गैस, कोई लैग वगैरह नहीं करेगा। शायद आपकी 1GB रैम के फ़ोन में भी बहुत सही से ये गेम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं पहले थोड़ा गेम प्ले थोड़ा दिखा लेता हूँ इसके अंदर। आप देख सकते हो गेम एकदम स्मूथ चल रहा है और ग्राफिक्स वगैरह आप तो कोई फॉलो कर लिया होगा। और गाइस इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको स्लीव चिट इंक्लूडेड मिल जाएगा, आपको अलग से इसके अंदर इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे स्क्रोल करेंगे तो आपका जो स्लीव मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो भी स्लीव मेन्यू चाहिए वो आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं कार स्पॉन ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जितनी भी सारी कार्स है ना GTA के अंदर वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप गाड़ी को ले सकते हो, कोई भी गाड़ी आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये वाले को मैं लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको सब कुछ सही से मिल जाएगा। और गाइस अगर आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आप ये गेम जो बहुत इजीली आपके फ़ोन में रन करेगा, ठीक है। तो बस यार भाई लोग आज की वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो। और गाइस ये वाली मूड पैक को बनाए फैसल ने, जिसका चैनल का नाम है गेमिंग वर्ल्ड बंगला। तो गाइस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप चेकआउट कर लो, वो बंगाली में गेमिंग वीडियोज देता है। और गाइस तुम्हारी भाई ने भी एक वेबसाइट बनाया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, जाओ चेकआउट करो, थोड़ा मदद हो जाएगा यार, जाओ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।